तो मैं कटक में रहता हूँ, और मैं कल का जो इंसिडेंट हुआ, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं हावड़ा से ट्रैवल कर रहा, कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था कटक को, जहाँ पे मेरा घर है। कोलकाता में मैं अपने पीएचडी रिलेटेड काम के लिए ही गया था, सैंपल कलेक्शन के लिए। मेरा फील्ड है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, हम 3:20 के अराउंड वहाँ से ट्रेन छूटा, कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है, मैं वहाँ पे था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:30 6:35 के आसपास एक बहुत ज़ोर के आवाज़ आया, तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ, तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ तो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, अगर डिरेल हुआ होता तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे हैं बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी, यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे, और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है, ये हमारे ट्रेन के कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन के कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे, तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए, जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा, नहीं, हमारे ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ़ में थे, उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का, उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेड बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेस आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके, हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रही है तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है, वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है, जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पे एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। अब ये हावड़ा के यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो 3 कोच था, ये तीनों के तीनों जनरल बोगीज थे। उसमें बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुए। तो ये मैंने पहले एक हावड़ा से चेन्नई की तरफ आ रही थी, और हाँ, दूसरा जो है यशवंतपुर वाला, वो वो कलकत्ता यशवंतपुर की तरफ से कलकत्ता सेम टाइम में क्रॉस कर रहे थे, सेम टाइम पे क्रॉस करे थे उस एरिया में। तो बाकी बोगी क्रॉस कर गया था लास्ट में बाकी बोगी। बॉगी क्रॉस कर गया था, आगे चला गया था, करीबन 600 मीटर से 800 मीटर आगे है बाकी के इंजन के सारे बॉगीज। ये 3 बॉगीज ही गिर गई थी पलट के। अब क्या होता है कि जब हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो इंजन है, वो करीबन 3-4 महले के ऊपर हाइट पे चला गया है। उसके नीचे सारे ये गुड्स ट्रेन का बॉगी है और कुछ कुछ जनरल बॉगीज हैं, वो सब बिखरे हुए पड़े हैं, पलट गए हैं सारे के सारे। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन था। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जब आप जाते हैं, तो पहले तो ये होना चाहिए कि पहले आपको देखना चाहिए कि आप सही हैं कि नहीं। हम करीबन 15-20 लोग थे, जो कि काफ़ी सही थे, क्योंकि हमारे बॉगी को कुछ हुआ नहीं था। जितना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे, किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ, ऐसे पड़े हैं हर जगह। देखिए तो कपड़े, लाल लाल कपड़े, खून पड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं, वो उड़ के कहीं और गिरे हैं। जो कोचेस हैं, वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। इसमें मैं तो बोलूँगा कि जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया हमारी, क्योंकि वो सबसे पहले थे। इंसिडेंट करीबन 6:35 के आसपास घटा, और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोकल लोग, ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग लोकल लोग आ गए हमें मदद करने के लिए। जितने को पैसेंजर्स थे, उन्होंने भी मदद की।
अथॉरिटीज़ को आते आते करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया। लेकिन अथॉरिटीज़ हालांकि थोड़ा लेट आई, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और सबकी मदद करने लगे।